हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल। ये एक गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम होता है। यह क्या होता है, इसके लिए क्या एज लिमिट चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है सरकारी, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यह एग्ज़ाम देने के लिए, कितनी फीस लगती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और इसके लिए क्या सिलेबस तैयार करना होता है, सैलरी क्या मिलती है। एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जीडी की फुल फॉर्म है जनरल ड्यूटी। जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, यह संस्था केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, यानी कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे काम करती है और यह सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के कर्मचारियों की भर्ती करती है, यानी कि हर साल यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कर्मचारियों की भर्ती करती है। हम सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है। एसएससी जीडी में जो डिपार्टमेंट आते हैं वो आते हैं सीएपीएफ में डिपार्टमेंट। सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर जो डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे बीएसएफ में गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है आपको, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, SSF, NIA। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, द कैंडिडेट हु हैव क्लियर 10, यानी कि वो वाला कैंडिडेट जिसने 10वीं पास की हुई है, रेकोगनाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी, किसी रेकोगनाइज बोर्ड से वह यह एग्ज़ाम दे सकता है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए आयु सीमा क्या चाहिए। कैंडिडेट शुड बी एज बिटवीन 18 एंड 23 ईयर्स। जो कैंडिडेट की एज है वह 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए और कैटेगरी के हिसाब से उम्र की सीमा को कुछ हद तक बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जैसे ओबीसी वालों को 3 साल की एज रिलैक्सेशन है, यानी 3 साल की छूट है, वह 26 साल की उम्र तक भी यह एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी तरह से एससी और एसटी वाले को 5 साल की छूट है, कहने का मतलब वह 28 साल तक यह एग्ज़ाम दे सकते हैं, 28 साल की उम्र तक। वो एक्स सर्विस मैन है, उनको 3 साल की छूट है, यानी कि वो 26 साल की उम्र तक भी यह एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, कि एसएससी जीडी का जो के लिए क्या एप्लीकेशन फ़ीस लगती है। जो जनरल कैटेगरी में मेल आते हैं उनको 100 रुपीज़ फ़ीस देनी होती है। वुमन कैंडिडेट, जो ऑल वुमन कैंडिडेट है, वो उनको यह फीस माफ़ है। इसके अलावा एक्स सर्विस मैन, एससी, एसटी सबको आगे फीस, एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होती। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया एसएससी जीडी एग्ज़ाम पैटर्न, कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है। जो एग्ज़ाम पैटर्न इसका होता है डिवाइडेड इंटू 4 स्टेज, उसकी 4 स्टेज आती हैं, जैसे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशेंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और चौथे नंबर पर आ जाता है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। सबकी बात करेंगे हम डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है CBE, यह ऑनलाइन टेस्ट होता है और इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कौन कौन से सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे 4 टॉपिक पर होते हैं, जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी। और सभी ये जो सब्जेक्ट आपके सामने 4 हैं, सब में 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि 25-25 क्वेश्चन सब में पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का एक नंबर है, तो मार्क्स भी 25-25 मार्क्स का चारों सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। कहने का मतलब 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे आपको इसमें और 100 ही मार्क्स के होंगे और इसे करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट मिलेंगे आपको। अब बात करते हैं इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद पहले वाले को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें
रेस करवाई जाती है। मेल के लिए जो सीमा रखी गई है वो है 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, यानी कि 5 किलोमीटर की रेस आपने पूरी करनी है। आपको टाइम की लिमिट मिलेगी मेल को 24 मिनट, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1.6 किलोमीटर, और इसके लिए उन्हें टाइम दिया जाता है 8.5 मिनट, यानी 8.5.5 मिनट दिए जाएंगे। इसके अलावा द कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन के जो कैंडिडेट हैं उनमें मेल को 1 मील तक दौड़ना होता है 6.5 मिनट में, और फीमेल को 800 मीटर इन 4 मिनट। अब बात करते हैं उसके बाद थर्ड नंबर पर जो थर्ड स्टेज है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST। जो PST है उसमें जनरल SC OBC कैंडिडेट जो होते हैं उनकी हाइट डिसाइड की जाती है। जो मेल की हाइट है वह 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल की जो हाइट है कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और कुछ और कैटेगरी में जो रिजर्व्ड होती हैं उनको रिलैक्सेशन भी थोड़ी सी दी जाती है। अब बात करते हैं चेस्ट की। जो चेस्ट है वो जनरल SC और OBC कैंडिडेट, जनरल SC और OBC कैंडिडेट वालों के लिए जो चेस्ट है वह 85 कहने का मतलब बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद 85 होनी चाहिए, और फीमेल के लिए नोट अप्लाइड है कि फीमेल की चेस्ट नहीं मापी जाती। इसी तरह से जो ST वाले हैं उनके लिए जो मेल की चेस्ट है वह 76 बिना फ्लाई और फ्लाई फुलाने के बाद 76 में 5 प्लस कर लीजिए 81 होनी चाहिए, और कुछ दूसरी कैटेगरी में इसमें रिलैक्सेशन दी जा सकती है। अब बात करते हैं वेट की। जो वेट है वह मेल और फीमेल कैंडिडेट का प्रोपोर्शनल होगा हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग, यानी कि जो वेट होगा वह हाइट और एज के अनुपात होता है जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड में होते हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके लिए कोई फिक्स नहीं होता। अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो वेट उस हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए, अगर हाइट कम है तो उस हिसाब से उसका वेट कम हो सकता है। और फोर्थ नंबर पर आता है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा इसमें हु क्वालिफाई PET PST, जो PET PST क्वालिफाई कर लेगा उसके कुछ टेस्ट होते हैं जैसे आई टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, एक्सरे वगैरह, हीमोग्लोबिन, यूरिन एक्सेट्रा। और इसके बाद अब बात करते हैं सैलरी की। जो सैलरी है इसमें जो बेसिक पे है वह 21,700 है, और इसमें कुछ अलाउंसेस भी दिए जाते हैं जैसे TA, HRA, DA, और अलाउंसेस के बाद यानी कि सैलरी अप्रोक्सीमेटली 23,000 से 25,000 के आसपास होती है। और अब अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल की जो साइट है ssc.nic.in पे जाकर पूरी डिटेल जान सकते हैं। और ये था हमारा टॉपिक SSC GD पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।